नमस्कार दोस्तों, मैं झुमकी के पापा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा मनु शीर्षक के शेष बचे हुए छंदों की व्याख्या को पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने श्रद्धा मनु भाग 1 का वीडियो बना दिया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम शेष बचे हुए छंदों की व्याख्या को पढ़ते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। इस छंद में श्रद्धा निराश तथा हताश मनु को उत्साहित कर रही हैं, उन्हें प्रेरित कर रही हैं। देखिए, कहा आगुंतक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर। कहा आगुंतक ने, आगुंतक अर्थात आने वाले व्यक्ति, तो आने वाली व्यक्ति श्रद्धा। ने सस्नेह, सस्नेह अर्थात प्रेम सहित। कहा आगुंतक ने सस्नेह, श्रद्धा प्रेम सहित मनु से कहती है, अरे तुम इतने हुए अधीर, अधीर अर्थात धैर्यहीन, जिसके भीतर धैर्य का अभाव हो। अरे तुम इतने हुए अधीर, हे मनु ऐसा लगता है कि तुम अपना धैर्य खो दिए हो। एक बार पुनः समझ लीजिए, श्रद्धा मनु से स्नेह सहित कहती है कि हे मनु तुम ऐसा लगता है कि तुम अपना धैर्य खो दिए हो। हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मरकर जिसको वीर। तुम जीवन के उस दाव को हार चुके हो, तुम अपने जीवन के दाव से हार मान गए हो, जिस दाव को वीर पुरुष कठिन परिश्रम से प्राप्त करते हैं। यहाँ पे श्रद्धा के कहने का भाव यह है कि हे मनु तुम अपने जीवन से निराश मत हो। वीर पुरुष जो वीर होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, वह कठोर परिश्रम के द्वारा जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों को पार करके सफलता प्राप्त करते हैं। आगे देखिए, तप नहीं केवल जीवन सत्य। श्रद्धा मनु से कहती है कि तप नहीं केवल जीवन सत्य, कि हे मनु तपस्या करते रहना ही जीवन का सत्य नहीं है। करुणा यह क्षणिक दिन अवसाद, अवसाद अर्थात दुख। तुम्हारे जीवन में जो यह करुणा और दुख के दिन हैं क्षणिक, वह क्षणिक हैं जो शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। तरल आकाश से है भरा, यह आकाश तरलता से भरा हुआ है, असीम आकांक्षाओं से भरा हुआ है। सो रहा आशा का हलाद, ऐसा लगता है कि तुम्हारे भीतर आशा का हलाद, आशा की उम्मीद सो चुकी है। तुम अपने सोए हुए आशा को जगाओ, इस तरह से निराश मत हो, आगे बढ़ो, सृष्टि का नवसृजन करो। आगे देखिए बच्चों, इस छंद में श्रद्धा मनु को समझा रही हैं, प्रकृति के यवन का श्रृंगार, करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आ है उत्सुक उनकी धूल। प्रकृति के यवन, यवन अर्थार्थ रूप का श्रृंगार, करेंगे कभी न बासी फूल। श्रद्धा मनु को समझाते हुए कहती हैं कि हे मनु इस प्रकृति के रूप का श्रृंगार कभी भी बासी और मुरझाए हुए फूल नहीं कर सकते। मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, बासी और मुरझाए हुए फूल अति शीघ्र बहुत ही जल्द मिलेंगे, आह उत्सुक है उनकी धूल, धूलों में मिलकर अपने अस्तित्व को मिटा देंगे। इसी तरह से जो मनुष्य निराश होते हैं, मुरझाए होते हैं, अपने जीवन से हताश होते हैं, वे भी बासी फूलों के समान होते हैं जो अपने जीवन का श्रृंगार कभी नहीं कर सकते। इसलिए तुम कभी निराश मत होना। आगे देखिए, छंद में श्रद्धा हताश मनु को उत्साहित कर रही हैं। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। एक तुम हे मनु, इस सृष्टि में तुम केवल एक हो, अकेले हो। यह विस्तृत भूखंड, विस्तृत अर्थार्थ विशाल, भूखंड अर्थार्थ पृथ्वी, और यह विशाल पृथ्वी प्रकृति वैभव से भरा मन, और यह विशाल पृथ्वी प्राकृतिक वैभव, सौंदर्य और सुख संपन्नता से भरा हुआ है। आनंद का मतलब होता है तेजी। एक बार पुनः समझ लीजिए। श्रद्धा मनु को उत्साहित करते हुए कहती हैं कि हे मनु, इस सृष्टि में तुम अकेले हो और यह विशाल पृथ्वी अपार प्राकृतिक वैभव और सुख संपन्नता से भरा हुआ है, जिसका उपयोग करने वाले तुम केवल अकेले हो। कर्म का भोग, तुम अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगो। भोग का कर्म और कर्मों का फल भोगते हुए भोग का कर्म, अगले जन्म के लिए सद्कर्म करो। यही जड़ का चेतन आनंद। बिना फल की चिंता किए बिना कर्म करते रहना ही यही जड़ का चेतन आनंद। यहाँ पे जड़ का अर्थ शरीर और चेतन का अर्थ आत्मा। यही शरीर और आत्मा के लिए परम आनंद है। आगे देखिए। अकेले तुम कैसे असहाय, यजन कर सकते तुच्छ विचार। तपस्वी आकर्षण से हीन, कर सके नहीं आत्मविस्तार। इस छंद में श्रद्धा मनु से कहती हैं कि अकेले तुम कैसे असहाय। हे मनु, तुम स्वयं को अकेला और असहाय क्यों समझते हो। यजन कर सकते तुच्छ विचार। यजन, यहाँ पे यजन का अर्थ हुआ इस संसार का नवसृजन करना, संसार में मानव सभ्यता को विकसित करना। यजन कर सकते, यदि तुम खुद को अकेले समझते हो, यजन कर सकते, तो फिर तुम अकेले कैसे इस सृष्टि में मानव सभ्यता का विकास कर सकते हो। तुच्छ विचार, तुम्हारे मन में ऐसा तुच्छ विचार कैसे आया कि तुम खुद को असहाय और अकेला समझ रहे हो। तपस्वी आकर्षण से हीन, कर सके नहीं आत्मविस्तार। तपस्वी, हे तपस्वी, आकर्षण से हीन, ऐसा लगता है कि तुम आकर्षण से हीन हो गए हो, अर्थात तुम्हारे भीतर उत्साह सो गई है। कर सके नहीं आत्मविस्तार, तुमने अपनी आत्मा का विस्तार नहीं किया, अर्थात तुमने इस रहस्य को नहीं समझा कि प्रलय के बाद भी तुम इस संसार में अकेले क्यों जीवित बचे हो। तुम इस रहस्य को जानो। आगे देखिए। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार। आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। इस छंद में श्रद्धा मनु को इस सृष्टि में मानवता के विकास की क्रम को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही हैं कि समर्पण लो सेवा का सार। श्रद्धा मनु से कहती हैं कि मैं मानवता की सेवा के लिए समर्पण लो, स्वयं को तुम्हें समर्पित कर रही हूँ, तुम मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। सजल संस्कृति का यह पतवार, सजल अर्थार्थ जलयुक्त जलमग्न, संस्कृति अर्थार्थ संसार। मेरा यह समर्पण इस जलमग्न संसार में पतवार, पतवार के समान कार्य करेगा। मेरा यह जो समर्पण है इस जलमग्न संसार के लिए पतवार के समान कार्य करेगा, अर्थात मेरा यह समर्पण इस सृष्टि में मानवता के विकास की क्रम को आगे बढ़ाने में सहायता करेगा। आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पदतल में विगत विकार। उत्सर्ग अर्थात पूरी तरह से समर्पित हो जाना। आज से यह जीवन इसी पदतल में विगत विकार। आज से मैं अपना यह जीवन इसी पदतल में तुम्हारे इन चरणों में विगत विकार, विगत मतलब बीते हुए, विकार मतलब दोष। आज से मैं अपना जीवन तुम्हारे इन चरणों में विगत विकार, तुम्हारे पिछले गुणों और दोषों को भुलाकर समर्पित कर रही हूँ। तुम मुझे अपनी स्त्री के रूप में स्वीकार करो और इस संसार में मानवता की विकास को, मानव सभ्यता के क्रम को आगे बढ़ाओ। आगे देखिए, बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। इस छंद में श्रद्धा मनु को प्रलय के बाद इस संसार में मानव और मानवता की विकास के लिए प्रेरित कर रही हैं। देखिए क्या कहती हैं, बनो संस्कृति के मूल रहस्य। हे मनु, तुम इस संस्कृति के अर्थात इस संसार के वह मूल रहस्य बन सकते हो। तुम्ही से फैलेगी वह बेल, क्योंकि तुम्ही से, तुम्हारे द्वारा ही इस वीरान संसार में मानव सभ्यता रूपी बेल अर्थात लता फलेगी, फूलेगी, वृद्धि करेगी। विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। इन पंक्तियों में श्रद्धा मनु को संयोग के लिए आमंत्रित कर रही है, क्योंकि जब एक स्त्री और पुरुष का संयोग होता है तभी संतान की उत्पत्ति होती है, मानव सभ्यता का क्रम आगे बढ़ता है। तो सुमन के खेलो सुंदर खेल। आगे नीचे वाले पंक्तियों को देखिएगा, सुंदर खेल। सुंदर खेल का मतलब हुआ संयोग, रति क्रीड़ा, स्त्री और पुरुष का शारीरिक मिलन। सुमन के, यहाँ सुमन का मतलब, सुमन का अर्थ तो पुष्प होता है, तो यहाँ मानव। सुमन के खेलो सुंदर खेल। हे मनु, तुम मुझे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करके खेलो सुंदर खेल, मेरे साथ संयोग करो सुमन के और पुष्प रूपी मानव का निर्माण करो। एक बार पुनः समझ लीजिएगा, हे मनु, तुम मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करके खेलो सुंदर खेल अर्थात मेरे साथ समागम करो सुमन के और पुष्प रूपी मानव की संरचना करो। विश्व भर सौरभ से भर जाए, सौरभ का मतलब सुगंध, जिसके सुगंध से यह वीरान संसार फिर से परिपूर्ण हो जाए। और यह क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। इस छंद में श्रद्धा मनु से कहती है, और यह क्या तुम सुनते नहीं, कि हे मनु, क्या तुम यह नहीं सुनते विधाता का मंगल वरदान, क्या तुम विधाता के इस कल्याणकारी वरदान को नहीं सुने हो। शक्तिशाली हो विजयी बनो, कि तुम शक्तिशाली हो, तुम्हारे भीतर अपार शक्तियां हैं, तुम इन शक्तियों का प्रयोग करके विजयी बनो, विजय को प्राप्त करो। विश्व में गूंज रहा जयगान, विधाता का यह जयगान, विजयगान संपूर्ण संसार में गूंज रहा है। तुम इस तरह से निराश मत हो, तुम्हारे भीतर अपार शक्तियां हैं, तुम इन शक्तियों का प्रयोग करके प्रलय पर विजय प्राप्त करो, अर्थात तुम इस संसार में फिर से मानव और मानवता के क्रम को आगे बढ़ाओ। तुम्हें निराश नहीं होनी चाहिए। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। डरो मत अरे अमृत संतान, अमृत संतान अर्थात अमर पुत्र। इस छंद में श्रद्धा मनु से कहती है कि हे विधाता के अमर पुत्र मनु, डरो मत, तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए। अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, देखो कल्याणकारी वृद्धि उन्नति अग्रसर है, देखो कल्याणकारी उन्नति अग्रसर है, आगे बढ़ रही है। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, बस तुम्हें थोड़ा परिश्रम और प्रयास करना होगा। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, तुम्हारा जीवन आकर्षण से पूर्ण हो जाएगा। खिंची आवेगी सकल समृद्धि, संपूर्ण सुख और समृद्धि तुम्हारे पास स्वयं उपस्थित हो जाएगी। तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, विधाता की कल्याणी सृष्टि, सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखियाँ हो चूर्ण। विधाता की कल्याणी सृष्टि, श्रद्धा मनु से कहती है, हे मनु, विधाता की जो यह कल्याणकारी सृष्टि है, संसार है, सफल हो इसे भूतल पर पूर्ण। तुम मानव का विकास करके, मानव और मानवता की विकास करके इस संसार को सफल कर दो, फिर से परिपूर्ण कर दो। पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज, यदि तुम ऐसा करते हो पटे सागर तो फनाती सागरें फट जाएंगी। बिखरे ग्रहपुंज, यह बिखरे हुए ग्रह नक्षत्र तुम्हारी यशोगान करेंगे। और ज्वालामुखिया हो चूर्ण, और यह ज्वालामुखियाँ आपदाएं चूर्ण हो जाएंगी, सदैव के लिए शांत हो जाएंगी। अर्थात तुम अपने प्रयासों से, मानवता से प्रलय पर भी विजय प्राप्त कर लोगे। आगे देखिए। उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कृति अनिल भूजल में रहे न बंद। उन्हें चिंगारी सदृश यानी चिंगारी के समान, सदर्प गर्व से कुचलती रहे, कुचल लेगी, खड़ी सानंद आनंद के साथ। समझिएगा, श्रद्धा मनु से कहती है कि हे मनु, यदि तुम सृष्टि का नवसृजन करते हो, नवनिर्माण करते हो, तो मानवता गर्व और आनंद के साथ तमाम विपत्तियों को चिंगारियों के जैसे अपने पैरों से कुचलकर नष्ट कर देगी। एक बार पुनः समझ लीजिएगा। इस छंद में श्रद्धा मनु से कहती है कि हे मनु, यदि तुम इस संसार में नवसृजन करते हो, इस संसार का नवनिर्माण करते हो, तो मानवता गर्व और आनंद के साथ संपूर्ण आपदाओं को चिंगारियों जैसी अपने पैरों से कुचलकर नष्ट कर देगी। आज से मानवता की कृति अनिल भूजल में रहे न बंद। यदि तुम ऐसा करते हो तो मानवता की कृति, मानवता का यश अनिल, वायु, भू, भूमि, जल, तो मानवता की यश वायु, भूमि और जल में रहे न बंद, नहीं बंद रह सकती। अर्थात यदि तुम ऐसा करते हो तो मानवता की यश अनिल, वायु, भूमि और जल में बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। आगे देखिए बच्चों। जल्दी के फूटे कितने उत्स, द्वीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। जल्दी के अर्थात जल्दी का मतलब समुद्र, उत्स, उत्स का मतलब स्रोत, द्वीप का मतलब द्वीप, कच्छप का मतलब कछुआ, डूबे उतराए डूबना उतराना। श्रद्धा मनु से कहती है कि हे मनु, तुमने देखा होगा कि प्रलय काल में समुद्र से जल के कितने स्रोत फूटे थे और संपूर्ण द्वीप, कछुआ इत्यादि जीव जंतु जल में डूब उतरा रहे थे, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्त। किंतु तुम ऐसे अकेले थे जो इस प्रलय काल में भी, इस विनाश के घड़ी में भी दृढ़ मूर्ति के समान खड़े रहे। अभ्युदय का कर रही उपाय, अब तुम्हें ही, अभ्युदय का मतलब होता है नवीन उत्थान, नवनिर्माण, अब तुम्हें ही इस संसार का, इस सृष्टि का नवीन उत्थान करना होगा। आगे देखिए। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। इस छंद में श्रद्धा मनु से कहती है कि इस संसार की रचना विद्युत कणों से हुई है, जो व्यस्त, व्यस्त मतलब अलग थलग, जब तक यह विद्युत कण अलग थलग बिखरे रहते हैं हो निरुपाय, तब तक इनमें शक्तियाँ नहीं होती, शक्तिहीन होते हैं। समन्वय उसका करे समस्त, और जब वो अपने शक्तियों को इकट्ठा कर लेते हैं, संचित कर लेते हैं, तो इन विद्युत कणों में से ऊर्जा का स्रोत निकल पड़ता है। समन्वय उसका करे समस्त। हे मनु, तुम भी अपने बिखरे हुए शक्तियों को इकट्ठा करो, अपने सोए हुए उत्साह को जगाओ, बेचैनी मानवता हो जाए। यदि तुम अपने हताशा निराशा को त्याग करके इस संसार में मानव की विकास के क्रम को आगे बढ़ाते हो, बेचैनी मानवता हो जाए, तो मानवता संपूर्ण संसार पर विजय प्राप्त कर लेगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।